हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल खबरी। तो गाइस, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप लोग किस तरह से डेटा एंट्री या फिर कैप्चर सॉल्विंग से आप लोग पैसे बना सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की वीडियो से आप ताकि फ़ायदा हासिल कर सकें। तो चलिए, इस वीडियो को आज शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले आप लोगों को उस वेबसाइट पे जाना है जहाँ से आप अर्निंग कर सकते हैं। मैं गूगल पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं टू कैप्चा सर्च करता हूँ। यहाँ आप लोगों ने टू कैप्चा सर्च करना है तो आप लोगों के पास ये सबसे पहली वाली जो वेबसाइट है ये आ जाएगी। तो मैं आप लोगों को पूरा प्रोसीजर समझाऊंगा आप लोग किस तरह से इससे अर्न कर सकते हैं। सिंपली आपने उस वेबसाइट पे जाना है तो यहाँ पे आप लोगों के पास दो तरीके से आप लोग यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। जो सबसे पहला तरीका है वो ये है कि आप लोग कैप्चा सॉल्विंग सर्विस जो है इसको यूज करके यहाँ पे आप पैसे बना सकते हैं। $1 आपको पर जो 1000 कैप्चा आप सॉल्व करेंगे उनका आपको मिलेगा। इसी तरह से और यहाँ पे है कि आप कैप्चा को बाईपास करने की API वगैरह की वो की हासिल करें, और इसी तरह से आप लोग यहाँ पे ऑटो सॉल्व जो है वो रिस्पॉन्स बताया कि आपको 12 सेकेंड के अंदर जो है वो कैप्चर को सॉल्व करना है। इसी तरह यहाँ पे आप दूसरा जो तरीका है अर्न करने का वो ये है कि आप लोग डेटा एंट्री वर्क कर सकते हैं यहाँ पे। तो आप लोग उससे भी जब आप डेटा एंट्री वर्क करेंगे तो आपको डॉलर्स में पैसे मिलेंगे और आप लोगों को यहाँ पे पैसे बना सकते हैं। उसी तरह हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पे इसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन दी गई है कि आप लोग किस तरह से जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे अगर नॉर्मल आप लोग कैप्चर सॉल्व करते हैं तो $1 मिलेगा 1000 कैप्चर्स पे, और उसी तरह अगर आप लोग जो JS कैप्चर्स हैं वो करेंगे तो आप लोगों को उस पर $3 मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ पे है कि नॉर्मल कैप्चर्स जो है वो आपको 15 सेकंड में सॉल्व करना है, और यहाँ पे जो JS वाला है वो आप लोगों को 15 सेकंड्स में सॉल्व करना है। इसी तरह फिर और यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है, यहाँ पे जो नॉर्मल कैप्चर्स के जो वर्कर्स हैं वो कम है थोड़े, वो JS के आप लोग देख सकते हैं वो ज्यादा है, वो इसलिए कि हुई है यहाँ पे आपको $3 मिल गए। तो इसी तरह नीचे और इसके बारे में इंफॉर्मेशन है तो उसको हम अभी छोड़ देते हैं। हम चलते हैं कि आप लोग किस तरह से यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। तो सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे साइन अप पे आप लोगों ने क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे या तो आप लोगों को अपना अकाउंट क्रिएट करना है न्यू, या फिर आप लोग गूगल से भी जो है वो साइन अप कर सकते हैं। तो मैं जो है वो ऐसा करता हूँ कि मैं अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ न्यू। उसके लिए मुझे मेल चाहिए तो मैं जो है mail.tm से जाके कोई भी मेल पकड़ लेता हूँ। मैं तो अभी सिर्फ आप लोगों को ड्रेनो अकाउंट बनाना सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ से जो है वो टेम्प मेल यूज कर रहा हूँ। अगर आप लोगों ने अर्निंग करनी है इस पे तो आपको ये अपनी जी मेल जो है वो साइन अप विथ गूगल करें। तो इसी तरह मैं अब यहाँ पे कोई भी जो है सजेस्टेड पासवर्ड जो है वो मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, और कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ और रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ। जब मैं रजिस्टर पे क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे थोड़ा बोर्ड सॉल्व करना है, और यहाँ पे मुझे एक ईमेल आएगी। तो वेरिफिकेशन ईमेल है यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसको इस लिंक पर क्लिक करना है ताकि मेरा अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो जाए। तो आप लोग देख सकते हैं मेरा अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। तो अब गाइस, यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आप कस्टमर भी बन सकते हैं। यानी कि आप लोगों को, आप जो है वो कस्टमर इस तरह से बनेंगे कि आप लोगों को पे करेंगे कि वो आप लोगों के लिए जो है वो कैप्चर्स को सॉल्व करें। तो और दूसरा जो है वो यहाँ पे आई एम अ वर्कर, इसका यह मतलब है कि आप लोग खुद किसी के लिए काम करें। और तीसरा जो है वो है आई एम अ डिवेलपर, इससे इसका ये मतलब है कि आप खुद जो है वो इस तरह के डिवेलप करते हैं सॉफ्टवेयर या फिर कैप्चर्स जो दूसरे लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो यूज करना है वो है आई एम अ वर्कर। तो यहाँ पे आप अपना रोल यहाँ से भी चूज कर सकते हैं कि आप लोग वर्कर हैं। तो मैं क्या करता हूँ, वर्कर वाले पे नेक्स्ट कर देता हूँ। जब मैं नेक्स्ट करूंगा तो यहाँ पे मेरा जो वर्किंग का प्रोफाइल है, वर्कर का प्रोफाइल है, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो गाइज, एक और यहाँ पे मैं एडिशन करता हूँ, अगर आप लोग ज्यादा अर्निंग करना चाहते हैं तो आप लोग अपना रेफरल लिंक जो है यहाँ पे वो भी यूज कर सकते हैं। मैं अपना रेफरल लिंक भी यहाँ पे पोस्ट कर दूंगा, अगर आप लोग इससे ज्वाइन करेंगे तो मुझे भी थोड़े बहुत जो है वो अर्निंग मेरी भी हो जाएगी। तो ये लिंक आप लोग भी शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और वो भी अर्निंग करेंगे तो उसका फायदा आप लोगों को भी यहाँ पे होगा। तो अब इसके बाद आप लोग किस तरह से वर्क कर सकते हैं, यहाँ पे ये बैलेंस है, यहाँ पे जितनी भी आपकी अर्निंग होगी वो यहाँ पे शो होगी। उसके अलावा यहाँ पे आपने पहले आज कितना अर्न किया, इससे पहले कितना अर्न किया, उस सब की डिटेल यहाँ पे होगी। उसके अलावा यहाँ पे आपने नॉर्मल कैप्चर्स कितने सॉल्व किए हैं, और इसी तरह वेटिंग टाइम आपने कितना लिया, कितने टाइम में आपने कैप्चर सॉल्व किए हैं, वो सब
इसी तरह यहाँ पे क्लाइंट जी है, इसकी आप लोगों को भी जरूरत नहीं है, इसको हम जो है वो फिलहाल छोड़ देते हैं, हम चलते हैं क्या, हमने अब अपना काम करना है किस तरह। यहाँ से जब आप स्टार्ट वर्क पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के लिए एक डेमो ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे आपने सिंपली जो है वो इंग्लिश ही सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे आई स्पीक दिस लैंग्वेज वाला ऑप्शन जो है वो आपने सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे जो है आप और लैंग्वेजेस जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं इंग्लिश ही यूज करूंगा, तो मैं इंग्लिश सेलेक्ट करके आई स्पीक दिस लैंग्वेज करके यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दूंगा। जब यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आएगा कि अब आप लोगों को 9 कैप्चर्स जो है वो सॉल्व करने हैं। तो हमें जो है उसके लिए यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं कि आप लोगों को सर्विस शुरू करने से पहले ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो आप लोग सिंपली जब स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को 9 जो कैप्चर्स हैं वो सॉल्व करने हैं एज अ ट्रेनिंग। तो हम जो है वो स्टार्ट करते हैं कैप्चर्स अपने। मैं स्टार्ट पे क्लिक किया, मेरे सामने ये कैप्चर्स आ गया, तो मैं इनको जल्दी जल्दी जो है वो सॉल्व करता हूँ। और इसी तरह 2, 5, 5, 3, इसी तरह सारे कैप्चर्स जो है वो आप लोगों ने ट्रेनिंग के लिए सॉल्व करने हैं। और इसी तरह देखते हैं, थोड़े आप लोगों के पास डिफिकल्ट कैप्चर्स भी जो है वो यहाँ पे आएंगे, लेकिन आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, लोगों ने नेक्स्ट करना है, या अगर आपको कोई नहीं आता तो या कैन नॉट सॉल्व भी आप लोग जो है वो क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करते जा रहा हूँ, और ये इसी तरह आप लोग जब नेक्स्ट टाइम करेंगे तो उसके आप लोगों को पैसे भी मिलेंगे। अभी तो आप फ्री में कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम जब आप करेंगे तो आपको पैसे भी मिलेंगे। इसके लिए आप लोग स्क्रिप्ट भी यूज कर सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए ऑटोमेटिक जो है वो ये कैप्चर्स जो है वो सॉल्व करेंगे। इस पर भी हम जो है वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे गलती की है, इस वजह से ये वाला कैप्चर जो है वो नहीं हुआ हुआ था सॉल्व। तो इसी तरह से आप लोग जो है वो सारे कैप्चर्स जो है वो यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 8 हो गए, 1 रह गया, तो ये मुझे अब बिल्कुल समझ नहीं आ रही, तो मैं कैन नॉट सॉल्व पे क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पे ये कह रहा है कि आपकी ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, अगर आप लोगों ने दोबारा ट्रेनिंग करनी है तो आप स्टार्ट अगेन पे क्लिक करें, नहीं तो आपने कैबिनेट पे जाके यहाँ पे अपनी जो है वो अर्निंग जो है वो स्टार्ट करनी है। अब जब हम सॉल्व करेंगे कैप्चर्स तो उसके हमें पैसे मिलेंगे। तो सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, अब अगर आप लोगों ने अर्निंग करनी है तो आप स्टार्ट पे क्लिक करें, और इस तरह से आप जो है वो कैप्चर्स जो है वो सॉल्व करते जाएंगे। थोड़ा टाइम ले रहा है, लेकिन हम वेट कर लेते हैं, जब हमारे पास कैप्चर्स शुरू होना स्टार्ट हो जाएंगे तो हम लोगों की जो अर्निंग है यहाँ पे वो भी स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो गाइस ये थोड़ा टाइम ले रहा है, लेकिन ये आप लोगों के पास टाइम नहीं लेगा, आपने सिंपली यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करना है, तो आप लोगों के पास जो है वो यहाँ पे कैप्चर्स आना शुरू हो जाएंगे और आप लोगों को सॉल्व करना स्टार्ट कर लेंगे। तो यहाँ से आप सिंपल कैप्चर्स देखिए कि हम जो है वो करते हैं दोबारा ट्राई, तो आप लोगों के पास ये इस तरह से ठीक से वर्क करेगा। तो गाइस अगर आप लोगों को ये अर्निंग की जो वेबसाइट है ये बिल्कुल लेजिट है, और आप लोगों को पैसे भी मिलेंगे इस वेबसाइट से, अगर तो आप लोग इससे कुछ अर्निंग करते हैं और आप लोगों को फायदा होता है, तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसी तरह की वीडियोस के लिए, और इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। मैं अब आप लोगों को मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मेरे